हाय, आप देख रहे हैं दिल ऑन टॉप। सलमान खान की अली अब्बास जफर डायरेक्टेड भारत की शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिल्म के टीजर वगैरह रिलीज किए जा चुके हैं। इस साल ईद पर रिलीज के लिए तैयार ये फिल्म फिलहाल अपने पोस्ट प्रोडक्शन वाले फेज में है। इस सबके बीच ही सलमान खान ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है और ये दबंग 3 नहीं है। इस फिल्म में वो संजय लीला भंसाली के साथ काम करेंगे। फिल्म का नाम होगा इंशाल्लाह। फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन से लेकर कास्ट और इन दोनों के आपसी विवाद के बारे में आप आगे हमारे साथ जानेंगे। संजय लीला भंसाली और सलमान खान फिल्म खामोशी द म्यूजिकल और हम दिल दे चुके सनम में साथ काम कर चुके हैं। इसके अलावा रणबीर कपूर और सोनम कपूर की जो डेब्यू फिल्म थी सावरिया, उसमें भी सलमान खान की गेस्ट अपीयरेंस थी। सलमान खान ने ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय स्टारर गुजारिश के बारे में कह दिया था कि उस फिल्म को तो कुत्ता भी थिएटर्स में देखने नहीं गया। इसके बाद से दोनों के बीच में चीज़ें बिगड़ गई, हालांकि अब मामला पटरी पर आ गया है। दूसरी बात यह है कि सलमान खान संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म इंशाअल्लाह में काम कर रहे हैं। इस फिल्म में सलमान खान के ऑपोजिट आलिया भट्ट को कास्ट किया गया है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रोल के लिए सलमान ने कटरीना और अनुष्का का नाम भी भंसाली को सुझाया था। वही भंसाली दीपिका पादुकोण को लेना चाहते थे। एक बार तो फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन को लेने की बात भी चल निकली थी, लेकिन फाइनली आलिया को साइन कर लिया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि सलमान और आलिया के बीच उम्र का बड़ा फासला है, जो बड़ा अजीब लगेगा। उनकी बात सही है, लेकिन आलिया इससे पहले शाहरुख खान के साथ भी डियर जिंदगी में काम कर चुकी हैं, जिसे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था। अगली बात यह है कि फिल्म की कहानी के बारे में कुछ ज्यादा अभी बाहर नहीं आया है। पहले इसे हम दिल दे चुके सनम की सीक्वल बताया जा रहा था, लेकिन अभी मसला कुछ ऐसा है कि इंशाअल्लाह भी एक लव स्टोरी होगी जो आज के समय यानी मॉडर्न टाइम में घटेगी। इसमें भी हम दिल दे चुके सनम वाले कुछ एलिमेंट होंगे, लेकिन ये कोई रीमेक, प्रीक्वल या सीक्वल नहीं है। भंसाली पद्मावत के बाद कई स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। बहुत माथा फोड़ी करने के बाद उन्होंने ये स्क्रिप्ट चुनी जिस पर वो सलमान के साथ काम करेंगे। अगली बात यह है कि पहले कुछ खबरें ऐसी भी चली थी कि भंसाली अपनी अगली फिल्म में शाहरुख खान और सलमान खान के साथ काम करेंगे और ये फिल्म होगी मीना कुमारी और भारत भूषण स्टारर बैजू बावरा की रीमेक, जिसकी स्टोरी लाइन भी चेंज कर सुभाष घई की सौदागर वाला फ्लेवर रखा जाएगा। लेकिन वो सब हवा हवाई बातें निकली। अब आपको याद कराते हैं कि बिग बॉस 12 के लॉन्च के मौके यानी सितंबर 2018 में सलमान खान इस बात को कंफर्म कर चुके थे कि वो संजय लीला भंसाली के साथ काम करने जा रहे हैं। उस समय सलमान ने बताया था कि भंसाली से उनकी इस फिल्म के बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई है, बस स्टोरी लाइन डिस्कस हुई है। हालांकि भंसाली ने अगस्त के शुरुआती हफ्ते में ही फिल्म का टाइटल इंशाल्लाह इम्पा यानी इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन में रजिस्टर करवा दिया था और तब से ही वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। सब कुछ फाइनल होने के बाद सलमान खान ने ट्वीट करके अपनी ये फिल्म अनाउंस कर दी। अब इंशाअल्लाह की शूटिंग इस साल के आखिर तक शुरू हो सकती है। सलमान खान फिलहाल अपनी फिल्म भारत की शूटिंग पूरी कर चुके हैं और प्रभु देवा डायरेक्टेड फिल्म दबंग 3 की शूटिंग चालू करने की तैयारी में है। दबंग 3 खत्म करने के बाद वो संजय लीला भंसाली के साथ इस फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। इंशाअल्लाह को ईद 2020 पर रिलीज करने की तैयारी है, लेकिन इसी तारीख पर अक्षय कुमार ने रोहित शेट्टी डायरेक्टेड अपनी कॉप ड्रामा सूर्यवंशी अनाउंस कर रखी है। तो देखते हैं कि क्या होता है। बाकी आप देखते रहिए द लल्लन टॉप और हमें लाइक, सब्सक्राइब और डाउनलोड करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।